सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही उद्देश्य है आनंद मार्ग का। आनंद मार्ग जिसके प्रवर्तक थे, जिसके संस्थापक थे गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आज हम आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद जी अवधूत जी के साथ बैठे हैं और गुरुदेव बता रहे हैं कि हम कौन हैं। आइए जानते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने इसी क्रम में कहा है, मैं कौन हूँ, ये बहुत ही सनातन प्रश्न है। आदमी आदिकाल से इसको ढूंढते आया है कि मैं कौन हूँ। तो जिसको मैं मन कहते हैं हम, उसका आधार शरीर है, हमारे पास एक शरीर है, इसी की मौत होती है, यही बच्चा जवान बूढ़ा और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। मन जो इसका ड्राइवर है वो दिखता नहीं है, लेकिन ऑपरेट करने वाली सत्ता है। जब ये निकल गया इसमें से, काम करने लायक ये घर नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, इसमें से निकल गया, तो आदमी उसको मृतक घोषित कर देता है जी। तो शरीर की मौत होती है उसको दुनियावी मौत कहते हैं, मन की मौत होती है उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जब मन खत्म हो गया। तो जिसको हम कहते हैं, इसमें मन है और इसका साक्षी सत्ता है आत्मा, और मन से ही लगी हुई हमारी इंद्रियां हैं जो दुनिया भी काम करती है। तो कोई भी रोग शरीर में होने के पहले मन में होता है, सूक्ष्म तौर पर। मन निरोग है तो शरीर अगर रोगी हुआ तो जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मन ही रोगी हो गया तो वो शरीर को रोग को ठीक करने में बहुत लगता है। यही यौगिक चिकित्सा में यही खूबी है कि शरीर और मन दोनों को लेकर के आगे चलते हैं। तो दादा, क्या यौगिक क्रिया में कुछ और भी उपाय बताए गए हैं, जैसे आहार विहार व्यवहार, इस बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, जब हमारा एक आधार शरीर है, ये मेरा घर है, तो आहार व्यवहार से बनता बिगड़ता है। अगर आहार ठीक है तो शरीर को हम बहुत दिन तक ले चलेंगे, अगर आहार बिगड़ गया तो हमारा लीवर खराब होगा, पैंक्रियाज खराब होगी, हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगी, नर्वस सिस्टम खराब होगा, अंत में हम बीमार होकर के काम करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आहार के बारे में गुरुदेव ने कहा है, वैसे तो आहार जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो भी आहार है। आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ये सब आहार है। इसलिए सब सोच विचार करके आदमी को करना चाहिए कि हम संसार के साथ कैसे व्यवहार करें, किन चीज़ों को हम बाहर से ग्रहण करें। आँखों से अगर गलत चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, मन कुत्सित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, मन धीरे धीरे खराब हो जाता है। लेकिन आहार के तौर पर आम तौर पर मानते हैं जो मुंह से जो खाते पीते हैं उसको आहार कहते हैं। तो ये तीन प्रकार का आहार है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में है कि जो शरीर मन आत्मा तीनों के लिए ठीक रखे उसको सात्विक आहार कहते हैं। राजसिक आहार है जो शरीर के लिए विशेष परिस्थिति में न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन मन और आत्मा के लिए खराब है। तो एक सात्विक आदमी, अच्छा आदमी, एक साधु संत
योगी सात्विक आहार ही लगता है, राजसिक को दो रहता है उसे, और तामसिक तो ले ही नहीं सकता है, इस प्रकार का उसका होगा, तब जाकर के शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखता है। तो दादा लोग तो बहुत कम ही जान पाएंगे कि सात्विक राजसिक और तामसिक किस तरह का भोज्य पदार्थ होता है। बहुत अच्छा है, सात्विक आहार में हर प्रकार के सीरियल्स, मसूर का दाल, खेसारी की दाल छोड़कर, मसूर की दाल इस समय का बना हुआ दूसरे टाइम में खाएगा तो तामसिक हो जाती है, उसका डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है जी। तो ये दो छोड़ करके हर प्रकार की दाल, चावल, गेहूं, तेल, घी, दूध, फल, सब्जी, सब्जी में सरसों का साग और सफ़ेद बैंगन छोड़ करके सात्विक है सब। अच्छा, सफ़ेद बैंगन और सरसों का साग तामसिक है। बाकी जल्दी की ब्याई हुई गाय का दूध, सद्यजात जो गाय बछड़ा दी है उसका दूध तामसिक है, इसलिए उसको 21 दिन के बाद में गाय भैंस का दूध पीना चाहिए। तो राजसिक में चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाले, ये राजसिक है। और तामसिक में सड़ा गला डिकम्पोज भोजन, मांस, मछली, अंडा, ये तामसिक है। मादक द्रव्य, ये सब तामसिक है। तो अगर तामसिक आहार हम लेते हैं तो शरीर पर उसका तामसिक प्रभाव पड़ेगा और शरीर की जो नीचे की ग्रंथियां हैं वो पुष्ट होगी। नीचे की ग्रंथियां, हाँ, माने मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। तो अगर अच्छा आदमी बना रहना चाहता है तो जब तक वो सात्विक आहार नहीं लेगा, तामसिक और राजसिक को छोड़ेगा नहीं, तब तक उसको अपनी अच्छाई बना करके रखने में सुविधा हो जाएगी। क्योंकि अब देखिए, एक अच्छा मकान बनाने के लिए बढ़िया सीमेंट लगाते हैं, अच्छा लोहा लगाते हैं, अच्छी लकड़ी लगाते हैं, बढ़िया बालू लगाते हैं, तो हम एक शरीर बना रहे हैं जो मेरा घर है, तो इसमें सात्विक चीज़ का अगर सिलेक्शन करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो इसमें यह है कि हमको वैज्ञानिक विधि से देखना होगा कि हम एसिडिक भोजन न करें, एल्कलाइन भोजन लें। एल्कलाइन भोजन से जो हमारा पाचन रस है शरीर का, वो डाइजेस्टिव जूस, ये हमारे शरीर के सिस्टम को, रस को अल्कलाइन बनाए रखेगा। नहीं तो अगर रस एसिडिक हुआ तो ब्लड एसिडिक होगा और कई प्रकार के रोगों को जन्म देगा। इसलिए आहार में हमको ये रखना होगा, स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध और सात्विक आहार। बिहार में हमारा रहन सहन ये भी शुद्ध और स्वस्थ हो, व्यवहार में, संसार में लोगों के साथ व्यवहार भी हमारा उचित हो, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए कहते हैं आहार, विहार और व्यवहार, तीन अगर ठीक रहेगा तो हमको अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करने में सहूलियत हो जाएगी। और आहार में ध्यान ये रखना होगा कि बहुत आदमी अच्छा अगर भोजन है तो इतनी मात्रा में आदमी खा लेगा कि उतनी पचाने की उसको शक्ति नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने कहा चर्याचर्य में कि भोजन करते वक्त ध्यान रखना होगा कि जितनी भूख है उसका एक बटे दो ये हिस्सा भोजन से भरो पेट को, एक चौथाई हिस्सा पानी और एक चौथाई हिस्सा खाली रखे हवा के लिए, तब उसका पाचन रस सुविधा से बनेगी और उसको कहें कि आहार उसने ठीक लिया। नहीं तो इतना खा लिया कि न हवा की जगह रही न पानी की जगह रही, तो भोजन जाकर के पाचन रस को भी दूषित कर देगा और ग्रंथियों के सिक्रेशन को ये कर देगा। अमूमन लोग ऐसा ही करते हैं कि जब तक पूरी तरह से पेट भर नहीं जाता खाना खाना बंद नहीं करते। एक तो आहार के बारे में संयम रखना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो, नहीं तो
उसको अपच होगा, एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स होगी। जब इन रोगों को हम डील करेंगे तो उस पर विशेष रूप से आएंगे। तो कहने का मतलब है कि आधा पेट खाइए, एक साथ में फूस के न खाएं, जल के लिए रखें जगह। जलपान में ध्यान रखना होगा कि एक स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, अस्वस्थ को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, और जो चर्म रोगी हो उसको थोड़ा और ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उसका सब परिष्कृत होता रहे। दादा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट, आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दादा से ये जान रहे हैं कि हम कौन हैं और हम स्वस्थ कैसे रहें। चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं, पर आज प्रचलन में एलोपैथ ज़्यादा है। एलोपैथ में निश्चित रूप से हर बीमारी का इलाज तो नहीं है, पर दादा बताएंगे हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का समाधान। तो आइए हम जानते हैं दादा से हम कौन हैं और हमारी बीमारियों का निदान कैसे हो। दादा, शरीर के बीमार होने के पहले मन बीमार होता है और उसका प्रभाव हमारे इंटरनल सिस्टम पर, ग्रंथियों पर होता है। इसीलिए आहार व्यवहार विहार के ऊपर गुरुदेव ने जोर दिया है कि अगर इसको ठीक रखेंगे तो हम बीमार ही क्यों पड़ेंगे। जैसे खाने पर कंट्रोल नहीं है और कहते हैं कि कब्ज हो गया, पाइल्स हो गई, पाइल्स तो रोग नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी रोग नहीं, लक्षण है। बिल्कुल। तो अगर हम कारण का निदान करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आहार विहार के क्रम में ही जल में आदमी को मैंने कहा था कि स्वस्थ आदमी को 3 से 4 लीटर जल पीना चाहिए, अस्वस्थ आदमी को 4 से 5 लीटर, और चर्म रोगी को 5 से 6 लीटर जल लेना चाहिए। और जिसको चर्म रोग हो उसको नींबू नमक के साथ मिला करके
अगर पानी में पीना चाहिए तो भी अल्कलाइन रिएक्शन अंदर से होता है और सिस्टम को परिष्कृत करता है। तो यद्यप मिठाई सात्विक है, लेकिन अब देखना है कितनी मिठाई सात्विक है। आदमी अनुपान में हिसाब से खाएगा, संयम से खाएगा तो ज़्यादा दिन खाएगा। अगर लोभ से खाएगा, होता क्या है कि अच्छी चीज़ को आदमी लोभ से खा जाता है, इसीलिए बीमार होता है। खास करके जो एसिडिटी का रोग है, अल्सर का रोग है, ये लोभियों का रोग है। इसलिए आहार पर गुरुदेव ने बहुत ही जोर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा है चार समय से अधिक न खाओ और चार आइटम से अधिक मत खाओ। आज क्या है जिसको खाने का है, भारत में तो 56 प्रकार का सिस्टम जी, बिल्कुल। तब वो ऐसा भीम वाला शरीर नहीं है और इतनी आबादी होगी सब लोग, और जिसके पास है और 56 प्रकार खाने लगेगा तो समाज में और विषमता होगी। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि चार आइटम से अधिक मत खाओ ताकि सबको भोजन उपलब्ध हो, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया बनाई है, लेकिन बनाने वाला असीम है लेकिन दुनिया तो सीमित है। इसलिए तारक ब्रह्म के रूप में जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो सब एक डिसिप्लिन देकर के जाते हैं। इसलिए गुरु ने एक डिसिप्लिन सिस्टम दिया है। स्वस्थ रहने के लिए उन्होंने कहा कि जल के प्रयोग के बाद में मिट्टी का, हवा का और सूरज की रोशनी का हमारे शरीर पर स्वास्थ्य वर्धन में बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए अगर संभव है तो नदी के किनारे की मिट्टी का लेप करके धूप में सुखाएं और नदी में स्नान करें। अब चूंकि दुर्भाग्य से नदियां आज ऐसी नहीं रही कि हम स्नान कर सकें, बिल्कुल प्रदूषित हैं नदियां, तो गंगा भी प्रदूषित हो गई और गंगा की हम सफाई कर रहे हैं। अरे गंगा की सफाई हम क्या करेंगे, गंगा को गंदा न करें यही मेहरबानी कर सकते हैं। बिल्कुल, कि हम गंदा ना करें, हम साफ क्या कर लेंगे गंगा जी। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि मिट्टी, और ऐसी मिट्टी जहाँ खाद का प्रयोग नहीं हो, कोई टीले वगैरह की है या गंगा के किनारे की मिट्टी है, वैसी मिट्टी को लेप करें देह में। तो क्या दादा, सिर्फ नदियों के ही किनारे या तालाब में, झील? तालाब में भी, जहाँ आदमी जाता नहीं है वहाँ की मिट्टी गंदी नहीं होती है। ऐसा नदी के किनारे का मतलब है कि जहाँ पोल्यूटेड मिट्टी नहीं, पानी साफ हो और बाहर की मिट्टी, मिट्टी है किनारे वाली, किनारे उसका, खास करके जो रोग ग्रस्त स्थान है, खास करके एक्जिमा है या कैंसर है, उस पर अगर मिट्टी का लेप करेंगे और घर्षण करेंगे तो उसे लाभ मिलता है। क्योंकि मिट्टी में शरीर के विष को खींचने की शक्ति है, और मिट्टी का लेप देने के बाद इतनी देर तक आप छोड़िए कि मिट्टी में क्रैक्स आ जाएं, उतने देर में मिट्टी जा करके काम करती है। और एक बार की व्यवहार की हुई मिट्टी दोबारा ना उसको यूज करें, उसको फेंक दें। हर व्यवहार में नवीन मिट्टी होनी चाहिए, नई मिट्टी। इसके बाद उन्होंने स्नान के बारे में बहुत जोर दे करके समझाया है कि स्नान की भी एक विधि है। आम तौर पर आदमी खड़े होकर के स्नान करता है, जो अनुचित है। खड़े होकर स्नान नहीं करना चाहिए, बैठ करके स्नान करना चाहिए। सबसे उत्तम स्नान तो नदी, तालाब और लेक्स का है, लेकिन ये सब जगह उपलब्ध नहीं है। बाथरूम में आजकल खास करके आदमी नहाता है तो वहाँ बैठ करके आदमी नहाए, खड़ा होकर के नहीं है। उसमें भी विधि है, पहले नाभि पर जल डालें, इसके बाद पीछे जल डालें, इसके बाद सिर पर जल डालें कि सिर से होते हुए और स्पाइनल कॉलम से नीचे गिरे, फिर पूरे शरीर को जल से प्लावित करें। इस प्रकार से स्नान करें, क्योंकि अगर नाभि पर जल देते हैं तो जैसे मोटर का कार्बोरेटर है वैसे ये हिस्सा हमारा गर्म रहता है, तो पहले इसको ठंडा करना चाहिए नहाने के टाइम में। नदी तालाब में स्नान करने पर स्वाभाविक तौर पर इधर से ही पहले डूबता है, जंप करते ही, इसलिए नदी तालाब का स्नान बेस्ट कहा गया। बिल्कुल, इस विधि से स्नान करना चाहिए। और कितना स्नान करना चाहिए दादा? स्नान तो जल की उपलब्धता पर है। अब जैसे अरब के देश में आप कहिए कि भारत जैसा गंगा के किनारे जैसा मैं स्नान करूँगा,
वहाँ तो खैर संभव नहीं है, वहाँ संभव नहीं है। पानी को ध्यान में रखते हुए ये है, स्नान का मतलब है कि शरीर को शीतल करना, ठंडा करना, शरीर के हीट को, शरीर के जोड़ों के हीट को कम करने के लिए हम स्नान करते हैं, ताकि हमारा टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल रहे। स्नान के लिए है, चाहे तो आप 3 टाइम स्नान कर सकते हैं, लेकिन मध्य रात्रि का स्नान गुरुदेव ने वर्जित किया है, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह करें, दोपहर करें, शाम को करें, जल की उपलब्धता पर। इसके बाद उन्होंने एक आतप स्नान कहा है, और वो है कि स्वस्थ आदमी भी धूप सेंके, और धूप सेंकने के लिए सर्दी और गर्मी के हिसाब से, सर्दी में 12 बजे तक, गर्मी में 10 बजे तक की धूप लीजिए, बाद में धूप तेज हो जाती है। और धूप सेंकने के बाद भींगे तौलिए से शरीर को पोछिए, और अगर रोग ग्रस्त स्थान है जहाँ पर, अगर चर्म रोग है, तो उस हिस्से को आप धूप में एक्सपोज कीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसके बाद में भींगे तौलिए से उसको पोंछ दीजिए, लेकिन उस हिस्से के अलावा और जो शरीर का हिस्सा है छाया में होना चाहिए, रोग ग्रस्त को केवल धूप में कीजिए, क्योंकि धूप में रोग को दूर करने की शक्ति होती है सूरज की किरणों में जी। तो ये आतप स्नान उनको, इसको उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा है। उन्होंने एक बात एक और कही है कि धूप में पानी गर्म करके नहाना शरीर के लिए बहुत हितकारी है। अच्छा। और नहाने में न पानी ज़्यादा ठंडा हो न ज़्यादा गर्म हो, अगर मौसम के हिसाब से गर्म पानी से भी नहाते हैं तो बहुत गर्म पानी, और ख़ास करके सिर पर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आदमी का ये फ़ायदे के बदले ये नुकसान हो जाता है। सर्दी में तो मुमन दादा सबके यहाँ गीजर लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी बहुत आदमी आदत हो जाती है ज़्यादा गर्म नहाने का। बिल्कुल। और इस गर्म पानी से स्नान में दुनिया में जापानी सबसे अधिक बदनाम है। जापानियों के आप हमाम में नहाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, एकदम ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाटर में लोग नहाता है, बाहर बाथरूम से निकलने के बाद एकदम लाल हो जाता है सब। इसके अलावा गुरुदेव ने स्वस्थ रहने के लिए एक और तरीका बतलाया है, जिसको कहते हैं उपवास। क्योंकि हमारी आंत मुंह से लेकर के गुदा तक करीब 32 फिट है, अब बेचारी ये मशीन जब से पैदा हुआ और जब तक आदमी शरीर छोड़ता नहीं है तब तक इस मशीन को काम करना पड़ता है, और शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों नहीं हो लेकिन बड़ी आंत पूर्ण रूप से साफ नहीं होती, मल कुछ न कुछ आंत में सट के रह जाता है। इसलिए उनकी एक बहुत ही अनुपम भेंट है गुरुदेव की स्वस्थ रहने के लिए उपवास। उपवास को उन्होंने फास्टिंग नहीं कहा, उपवास माने उपवास, टू बी नियरर टू गॉड, उप माने समीप, परमात्मा के समीप रहना, वास करना। तो जब हम ने व्रत लिया, संकल्प लिया कि हम कल नहीं खाएंगे, तो हमारा मन भोजन की तरफ नहीं गया, तो हमारे शरीर की जो ग्रंथियां, जो अंग पाचन रस पैदा करते हैं, उनको आराम मिल गया, आंत को भी आराम मिल गया, और शरीर में जो भी अंदर से दूषित चीज है, गर्मी तो पैदा हो रही है, वो हीट से जलेगी। और उसके बाद में फास्टिंग ब्रेक करने के लिए अगले दिन सूर्योदय के बाद नहा करके, जब हम नींबू पानी नमक डाल करके पिएंगे 3 से 4 लीटर तक, तो जैसा पानी पिए हैं वैसा ही निकल जाएगा पेट से, एकदम सफाई हो जाएगी मुंह से लेकर के गुदा तक नीचे तक। और इसके बाद खिचड़ी खाइए, सब्जी डाल करके ज़रा सा उसमें घी डालिए अगर हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो, और तब देखिए लगेगा कि बिल्कुल परिष्कृत शरीर हो गया आपका और एकदम निरोग हो गए, एसिडिटी उस दिन नहीं रहेगी, भूख खुल करके लगेगी। उपवास की ये विधि है, उपवास के दिन, कल उपवास करना है तो आज रात में हल्का भोजन कीजिए, फास्टिंग ब्रेक कीजिए उस दिन भी, थोड़ा सावधान रहिए। तब महीने में अगर 2 उपवास आदमी करता है एकादशी को, क्योंकि एकादशी के टाइम में धरती और चांद बहुत करीब हो जाते हैं,
चांद का काम है आकर्षण, आकर्षण तो हर ग्रह उपग्रह का काम है, तो चंद्रमा के आकर्षण से धरती का जो लिक्विड पार्ट है वो आकर्षित होता है, इसलिए समुद्र में ज़्यादा ज्वार भाटा आता है इस पीरियड में एकादशी अमावस्या पूर्णिमा के बीच में। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में भी प्राचीन व्यवस्था हमारी एकादशी के उपवास की है। गुरुदेव आपने बहुत अच्छा बताया आहार विहार और व्यवहार के बारे में, तो हम अगले एपिसोड में इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725। आवर वेबसाइट www.amps.net.in। कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725। दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049। फोन नंबर्स 011-2464-3344, 098-1892-7367, 099-9998-7923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय चा।